तेजस्वी यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान हमने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे वो 17 महीने में पूरे करने की कोशिश की। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। हमने जाति आधारित गणना करवाई, हमने कहा था कि तमिलनाडु की तर्ज पर आरक्षण सीमा बढ़ाएंगे, उसे भी पूरा किया। तेजस्वी ने पूरे देश में 1 करोड़ नौकरी देने का दावा भी किया, कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 15 अगस्त से पूरे देश में नौकरी देना शुरू करेंगे। तेजस्वी ने कहा कि जो हम कहते हैं उसे पूरा करते हैं। 2024 में जनता से 24 वादे किए गए। राजद ने घोषणा पत्र में 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात भी कही गई थी। 200 यूनिट फ्री बिजली दिलाने का भी किया था दावा। राजद ने घोषणा पत्र में कहा कि सरकार बनी तो 10 फसलों पर MMC लाएंगे, अग्निवीर योजना को बंद करेंगे, ड्यूटी के दौरान मौत होने पर अर्धसैनिक बलों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। राजद ने भागलपुर, पूर्णिया, रक्सौल, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज में 5 नए एयरपोर्ट बनवाने का भी दावा किया है। बिहार पॉलिटिक्स, बिहार के पूर्व ब्रिटिश CM तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं लंबे समय से नौकरी, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी के बारे में बोल रहा हूं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो जन मुद्दों और काम की बात का नोटिस ही नहीं लेते, उन्हें तो बस अपने मन की बात सुनानी है। PM मोदी ने अपने वादे पूरे नहीं किए। राजद नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को जमुई, गया व नवादा में सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा, लेकिन तेजस्वी यादव इस सभा में कांग्रेस के रास्ते पर जाते दिखे। उन्होंने कांग्रेस के फॉर्मूले को बिहार में ऐलान कर लोगों से वोट देने की अपील की। पुरानी पेंशन नीति और पेंशन में बढ़ोतरी करने का किया वादा। तेजस्वी ने जमुई के सिकंदरा स्थित श्री कृष्ण विद्यालय के खेल मैदान में आयोजित सभा में तेजस्वी ने वादा किया कि 5 साल मुझे सत्ता मिली तो राशन के साथ नौकरी भी देंगे, पेंशन बढ़ाने के साथ पुरानी पेंशन नीति भी लागू करेंगे। तेजस्वी यादव ने PM के परिवारवाद पर लिए भाषण पर बोला हमला। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवारवाद पर दिए भाषण पर तंज कसते हुए कहा कि प्रथम चरण की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे NDA गठबंधन के उम्मीदवारों की पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, यह सबको पता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।